Hey guys, आज हम बात करेंगे उनाकोटिल 10 mg टैबलेट के बारे में, जैसे उसके यूजेस के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, और उसको कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए, और उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसका प्राइस कितना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज कर लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट के अंदर प्रिडुसलोन 10 mg कंटेंट पाया जाता है, जो एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। अगर आप स्टेरॉइड मेडिसिन क्या होता है नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाऊंगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट को मैकलॉड्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये मार्केट में 10 टैबलेट का स्ट्रिप पाया जाता है, जो आपको ₹10 में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट को बहुत सारी मेडिकल कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, मतलब किसी को किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसे कम करने में यूज होता है। और ये टैबलेट अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है और पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेशन में भी यूज होती है। मतलब आपको किसी भी किस्म का दर्द होता है, जैसे जॉइंट पेन, मसल्स पेन या बैक पेन, और वहां पर सूजन आती है तो उसको कम करने में यूज होता है। और ये स्किन डिसऑर्डर को कम करने में यूज होता है, मतलब आपको स्किन रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे ईचिंग, एक्जमा, या आपको कोई रिएक्शन हो गया तो उसको कम करने में यूज होता है। और ये टैबलेट को आइस डिसऑर्डर के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब आपकी आंखें लाल हो रही है या आंखें सूखी आ रही है या आंखें में से पानी निकल रहा, तो भी ये टैबलेट उसको कम करने के लिए यूज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हड्डियां कमजोर होती है और वेट बढ़ने लगता है और मूड थोड़ी थोड़ी देर को चेंज होता है और पेट खराब होता है और आपका बिहेवियर भी चेंज होता है और आपको फीवर आती है और आपके गले में दर्द होता है। दोस्तों, ये सब उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट के साइड इफेक्ट है। अगर आपको उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट लेने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा तो इसको लेना बंद करें और अपने डॉक्टर जाकर कंसल्ट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट को आप खाना खाने के बाद लेना चाहिए, खाना खाने से पहले नहीं लेना चाहिए। अगर आप खाना खाने से पहले लेते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, और इसको आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं, और आपके डॉक्टर जितने दिन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं उतने ही दिन लेना चाहिए, उससे ज्यादा दिन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट को कौन नहीं ले सकते। दोस्तों, उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट को जिसका ब्लड प्रेशर बहुत खराब है वो ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, और जिनको डायबिटीज है वो भी ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो भी ये टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, और जिनको स्टेरॉइड ड्रग से एलर्जी है वो भी ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अपने डॉक्टर से कंसल्ट या एडवाइस कर ही इसको लेना चाहिए, और आपको किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही इसको लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ये टैबलेट को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये टैबलेट को अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए, टैबलेट बहुत अच्छी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो दोस्तों, ये तो उमनाकोटिल 10 mg टैबलेट के बारे में वीडियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।